गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीछे के क्लास में हम ड्रिल मशीन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग हैंड ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आज का क्लास में हम लोग का है पावर ड्रिलिंग मशीन। जो दूसरा हमारा क्या है, पावर ड्रिलिंग मशीन हमारा क्या है, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं कि पावर ड्रिलिंग मशीन हमारा कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। इसके पावर ड्रिल मशीन हमारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के होता है। कुछ पावर ड्रिल मशीन हमारा पोर्टेबल होता है, कुछ पावर ड्रिल मशीन हमारा क्या होता है, एक ही जगह पे अस्थाई रहता है। कुछ पावर ड्रिल मशीन को हम लोग हर जगह पे, जहां पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उस मशीन को उठा के हम लोग वर्किंग टेबल तक नहीं ला सकते हैं, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर ड्रिल मशीन को ही ले जा सकते हैं, पोर्टेबल पावर मशीन को ले जा सकते हैं। वही जहां पे क्या होता है, छोटे छोटे वर्क पीस हो, उसको में अगर ड्रिलिंग करना है तो उसको हम लोग जनरली उठा के मशीन के भाइस में स्थापित करके होल्ड करके ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पावर ड्रिल मशीन भी होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। पहला हमारा क्या है, पावर ड्रिलिंग मशीन की आज बात करें। पावर ड्रिलिंग मशीन में पोर्टेबल पोर्टेबल इलेक्ट्रिक पावर ड्रिल, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि पावर ड्रिलिंग मशीन एक ही हो गया इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन क्या है? पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन एक ऐसा मशीन, ऐसा ही ड्रिलिंग मशीन है, क्या होता है, जहां पे हम लोग जिस मशीन पे ड्रिलिंग ऑपरेशन करना हो या जिस जॉब पे ड्रिलिंग मशीन करना हो, वो जॉब हमारा बहुत ही हैवी हो, बहुत ही बड़ा हो, उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, या फिर हमको कुछ अन्य जगह पे ले जाके ड्रिलिंग ऑपरेशन करना हो, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी मशीन को हम वहां ले जाके उस बड़े एरिए हैवी वर्क पीस को हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लेते हैं, तो जिस माध्यम या जिस जुगाड़ के द्वारा वहां ले जाके हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लेते हैं, उसी को हम लोग पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन हमारा क्या होता है, उसका बनावट क्या होता है और वो किस प्रकार से कार्य करता है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ से क्लियर है कि हमारा वो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है, लेकिन वो हमारा क्या पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाके उससे हम लोग कार्य कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा एक हैंडल होता है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में भी हमारा क्या होता है, एक हैंडल होता है, जिसका पिक्चर यहाँ कुछ आ रहा होगा अभी। पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन में भी हमारा दो तीन टाइप का होता है, उसको हम लोग देखेंगे। अभी जो इमेज में आ रहा है, ये सारा मेरा क्या पोर्टेबल ड्रिल मशीन है, ठीक है। इसमें हमारा एक हैंडल होता है, जिसको अपना हाथ से पकड़ के ऑपरेशन करते हैं। इसके साथ साथ एक हमारा इसमें मोटर लगा हुआ रहता है, मोटर के साथ हमारा क्या होता है, स्पिंडल जुड़ा होता है, और स्पिंडल में हमारा क्या होता है, ड्रिल चक लगा होता है, जो ड्रिल चक हमारा क्या ड्रिल बिट को होल्ड करता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें इसके हैंडल में हमारा पावर बटन दिया हुआ रहता है ऑन ऑफ करने का, क्या होता है पावर बटन हमारा ऑन ऑफ करने का इसमें दिया हुआ है। उस पावर बटन को हम लोग ऑन ऑफ करके क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऑन करते हैं तो हमारा पावर सप्लाई होता है, तो ड्रिल बिट हमारा घूमना स्टार्ट हो जाता है, ऑफ कर देते हैं तो पावर हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा घूमना क्या होता है, ड्रिल हमारा घूमना बंद हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग का हैंडल लगाता है, जिसको पकड़ के आसानी से हम लोग कहीं भी ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इस पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन से हम लोग जनरली कितना से कितना साइज तक का हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन से हम लोग 9 mm से लेकर के 20 mm के डायर तक का हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग हमारा ये क्या है, अलग अलग टाइप का ड्रिलिंग मशीन है, उसके लिए अलग अलग हमारा होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन है, ये भी हमारा 3 टाइप में पाया जाता है, क्या होता है हमारा, ये भी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन जो है हमारा, वो 3 टाइप में पाया जाता है, कौन कौन, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी।
पहला आपका क्या हो गया, लाइट ड्यूटी। लाइट ड्यूटी टाइप मीडियम, ड्यूटी टाइप तीसरा हमारा क्या हो गया हैवी। हैवी ड्यूटी टाइप हम जनरली क्या यही तीन प्रकार का प्रयोग में लाते हैं, कौन कौन, लाइट ड्यूटी टाइप, मीडियम ड्यूटी टाइप और तीसरा हमारा क्या हो गया हैवी ड्यूटी टाइप। ये हमारा क्या है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो है हमारा, ये तीन प्रकार से हमारा ये पाया गया है। ठीक है, तो हम लोग किस कारण से हम लोग इसको लाइट ड्यूटी बोलते हैं, इसको मीडियम ड्यूटी, इसको हैवी ड्यूटी। तो लाइट ड्यूटी जो हमारा होता है उसमें हम लोग क्या अधिक से अधिक 9 mm तक का ही हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक इसमें हम लोग 9 mm तक ही ड्रिल बिट लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। 5-9 तक का ही हम लोग इसमें ड्रिल बिट लगा के ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इससे 9 mm तक का सुराख हम लोग किसी भी वर्क पीस पे कहीं भी ले जाके हम लोग इससे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मीडियम ड्यूटी होता है इसमें हम लोग का क्या हो जाता है 15 mm तक, 15 mm तक का ड्रिलिंग ऑपरेशन हम कहीं भी किसी भी वर्क पीस पे इसको ले जाके कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या वन हैंड से ही चलाते हैं, लाइट ड्यूटी को भी वन हैंड से चलाते हैं और मीडियम ड्यूटी जो हमारा ये भी दोनों वन हैंड से ही हमारा ऑपरेट होता है। एक ही हाथ से हम लोग इसको होल्ड करके उसी में प्रेशर देखते हुए करते हैं जो पिक्चर में दिख रहा होगा। उसके बाद हमारा हैवी ड्यूटी जो हो जाता है उसको हम लोग दोनों, हैवी ड्यूटी जो होता है उसमें दोनों तरफ हमारा हैंडल निकला हुआ रहता है, उसमें दोनों हाथ से हम लोग फोर्स देते हैं, ज़्यादा फिट प्रदान होता है, उसके कारण वो ज़्यादा गहराई तक हमारा ज़्यादा डाया का क्या कर सकता है ड्रिल होल कर सकता है। ये कितना 520 तक का हमारा ये 20 mm तक का इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कटिंग कर सकते हैं। क्या लाइट ड्यूटी हमारा 9 mm हो गया, मीडियम ड्यूटी हमारा कितना हो गया 15 mm और हैवी ड्यूटी हमारा कितना हो गया 20 mm। ये हमारा क्या था पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन और उसका फंक्शन। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद हम लोग बेंच ड्रिलिंग मशीन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग का क्या हो गया पोर्टेबल ड्रिल मशीन, दूसरा हम लोग का बेंच ड्रिल मशीन। बेंच ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन हम लोग एक ऐसा ड्रिल मशीन बोलते हैं या फिर ऐसा माध्यम या ऐसा जुगाड़ के द्वारा तैयार किया हुआ मशीन है जिसको हम लोग बेंच ड्रिल मशीन बोलते हैं। या ड्रिल मशीन हमारा क्या होता है बेंच के ऊपर स्थापित किया हुआ रहता है। जैसे हम लोग भाईस क्या वो पढ़े थे, भाईस को हम लोग बेंच पे सेट किया हुआ रहता था तो हमारा बेंच वाइस हो जाता था वर्कशॉप में, उसी प्रकार से हमारा जिस ड्रिल मशीन को बेंच के ऊपर सेट किया हुआ रहता है उसको हम लोग बेंच ड्रिल मशीन बोलते हैं। क्या होता है जिसको हम लोग बेंच के ऊपर सेट किया हुआ रहता है उसको हम लोग बेंच ड्रिल मशीन बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं जॉब को आसानी से उठा के उसका वर्किंग टेबल पे ला सकते हैं, उसको हमको वर्किंग टेबल पे लाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और जहां पे हमारा वर्कशॉप है वहीं पे वो मटेरियल हो, वहीं पे वो जॉब हो, उस पे हमको अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो आसानी से उसका वाइस जो मशीन वाइस है उसमें हम लोग जॉब को होल्ड करके हम लोग क्या कर सकते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग कितना 12 mm तक का हम लोग क्या कर सकते हैं इससे ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 5-12 mm तक हम लोग इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ये हमारा बेंच पे सेट होता है, इसको बेस अच्छा मिलता है, इसीलिए हम लोग इसमें फीड, हम लोग इसमें लीवर लगा हुआ रहता है, लीवर के द्वारा हम लोग इसमें फीड देते हैं। इसमें मशीन वाइस हमारा होता है ये बेंच ड्रिलिंग मशीन हमारा। और डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं कि बेंच ड्रिलिंग मशीन हमारा क्या है, बेंच ड्रिलिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बेंच ड्रिलिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में आ रहा होगा बेंच, पिक्चर के माध्यम से पिक्चर इसमें बनाना बहुत दिक्कत होगा तो हम पिक्चर स्क्रीन पे ला दिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन बनावट के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं कि बेंच ड्रिलिंग मशीन हमारा
किस किस मुख्य पार्ट से मिलकर हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो पिक्चर स्क्रीन में पूरा आ गया होगा, अब हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिख रहा होगा बेंच ड्रिल मशीन में क्या है, हमारा नीचे वाले हिस्से को, सबसे नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। और एकदम स्ट्रेट जो सीधा हमारा दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, जिसमें हमारा सारा अटैचमेंट कॉलम में ही हमारा लगा होता है। एक साइड पिक्चर का राइट साइड हम देख पा रहे हैं कि क्या हमारा लगा हुआ है, मोटर, मोटर में हमारा क्या है, स्विच है। और लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो जाता है, बाकी फीड हैंडल, हेड और डेप्थ अटैचमेंट जो है सारा इसमें हमारा लगाया हुआ है। ड्राइवर पुली, ड्रिवर पुली, मोटर के साथ हमारा ड्राइवर पुली लगाया हुआ है और इसके साथ हमारा शाफ्ट के साथ, स्पिंडल के साथ हमारा ड्रिवर पुली लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ देख के समझ में आ गया, अरे ये लीवर हमारा दिख रहा है, उसके द्वारा हम लोग इसको ऑपरेट कर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ होगा, बेंच ड्रिलिंग मशीन हमारा यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इससे हम लोग क्या एक मीडियम कार्य के लिए प्रयोग लाते हैं, जिसमें हम लोग क्या जॉब को आसानी से वर्किंग टेबल पे ला के हम लोग वर्किंग ऑपरेशन अपना कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन क्या है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन हम लोग किसको बोलते हैं, इसको हम लोग इसमें देख के समझने का कोशिश करते हैं। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं कि इसको हम लोग सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन क्यों बोले। इसका पिक्चर अभी स्क्रीन पे हम ला दे रहे हैं सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का, उसको वहां से देख के समझना है कि सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन हमारा इस प्रकार का ड्रिलिंग मशीन है जो छोटे साइज का होता है, क्या होता है, छोटे साइज का होता है, जिसको अधिक स्पीड पर चलाया जा सकता है। हमारा बेंच ड्रिल मशीन के तुलना में हम क्या कर सकते हैं, सेंसिटिव ड्रिल मशीन को अधिक तेज स्पीड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। इस मशीन के द्वारा क्या होता है, बहुत ही शुद्धता और एक्यूरेसी में हम लोग सुराख तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हाई स्पीड में है इसलिए हमारा ये एकदम एक्यूरेसी में हमारा ये सुराख क्या करेगा, तैयार करेगा। इस मशीन पर क्या होता है, फीड हम लोग हाथ के सहायता से ही लीवर को दबा के लगाते हैं, जैसे बेंच ड्रिल मशीन में फीड हम लोग लीवर को दबा के ही लगाते थे, फीड हम क्या करते थे, हाथ के द्वारा ही लीवर को दबा के फीड उसमें भी देते थे। सेम सेंसिटिव ड्रिल मशीन में भी हम लोग क्या फीड को हाथ के द्वारा लगा के ही हम लोग इसमें देते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये हमारा हम लोग ऑटोमेटिक फीड देने के लिए बंधन नहीं होता। सेंसिटिव ड्रिल मशीन में हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक फीड हम लोग नहीं दे सकते। सेंसिटिव ड्रिल मशीन जो हमारा होता है इसमें ऑटोमेटिक फीड देने के लिए बंधन नहीं होता। इस मशीन पर क्या होता है, अधिकतर हम लोग वही बेंच ड्रिल मशीन की तरह हम लोग 12 mm में कार्य कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना हो जाता है, बेंच ड्रिल मशीन के तुलना में ये हाई एक्यूरेसी में हमारा क्या होता है, सुराख को और क्लीन तैयार करता है, ठीक है। उसको हम लोग सेंसिटिव ड्रिल मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज की क्लास में हम लोग बात की है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग समरी इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। आज के क्लास में हम लोग पावर ड्रिल मशीन के बारे में जाना। पावर ड्रिल मशीन हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पावर के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा संचालित करते हैं उसको हम लोग पावर ड्रिल मशीन कहते हैं। जिसको हम लोग मैन्युअली ऑपरेट नहीं करते हैं उसको हम लोग पावर ड्रिल मशीन कहते हैं। पावर ड्रिल मशीन हमारा विभिन्न प्रकार के होता है, जिसमें हम लोग आज की क्लास में 3 टाइप देखे गए थे। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन क्या है, जहाँ पे हैवी वर्क पीस हो, बड़ा वर्क पीस हो, जिसको उठा के वर्किंग टेबल तक नहीं लाया जा सकता है, तब हम लोग क्या करते हैं, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को ले जाके वहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, बेंच ड्रिलिंग मशीन। बेंच ड्रिलिंग मशीन क्या है हमारा, जहाँ पे हम लोग वर्क पीस को आसानी से बेंच के ऊपर में उसके टेबल में लगा हुआ है तो उसमें आसानी से ला के हम लोग उसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग बेंच ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। बेंच ड्रिलिंग मशीन से हम लोग 12 IF 2F तक का हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। सेंसिटिव ड्रिल मशीन भी बेंच ड्रिल मशीन की तरह कार्य करता है। बस क्या होता है, इसके द्वारा तैयार किया हुआ सुराख हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी में होता है, एक्यूरेसी में होता है। और उसके साथ साथ एक्यूरेसी के साथ साथ ये हाई स्पीड में हमारा इसका स्पिंडल घूमता है। क्या होता है, बेंच ड्रिल मशीन की तुलना में बहुत ही हाई स्पीड में हमारा ये घूमता है, ठीक है। इसको हम लोग सेंसिटिव ड्रिल मशीन बोलते हैं। उसके साथ पोर्टेबल ड्रिल मशीन हमारा 3 प्रकार का पढ़े थे, कौन कौन सा, हैवी ड्यूटी टाइप, मीडियम ड्यूटी टाइप, लाइट ड्यूटी टाइप। लाइट ड्यूटी टाइप में हम लोग 9 mm तक का क्या कर सकते थे, I9 तक का ड्रिल बिट को हम लोग घुमा के ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते थे। मीडियम में 5-15 का हम लोग ड्रिल बिट लगा के ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग कर सकते थे, ठीक है।
और हैप्पी ड्यूटी में हम लोग 25-20 तक का ड्रिल बिट लगा के लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो भी आज लोग पावर ड्रिल मशीन के बारे में बात की वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसी का आगे का टॉपिक, जिसमें हम लोग पिलर ड्रिल मशीन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में पिलर ड्रिल मशीन या फिर रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में आगे के क्लास में हम लोग बात करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।